किसी ने क्या खूब कहा है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय मान और सफल लोगों को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को 16 मई दिन रविवार कैसे रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे लेगा, उनका प्रेम संबंध कैसे रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आएगा संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा सूर्य भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आगे चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि जाने क्या है व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा डर जो इंसान को पल पल मारता है। जी हाँ दोस्तों, आज चाणक्य नीति और उनके विचार एक बार देखने पर भले ही आपको थोड़े कठोर लगे, लेकिन इसमें जीवन की सच्चाई है। अपने इन्हीं विचारों और नीतियों को आज चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति में बताया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी नीतियां आज भी उतनी प्रसिद्ध हैं जितनी सैकड़ों साल पहले थी। आज बात करेंगे आज चाणक्य के मुताबिक किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है। नंबर एक, सबसे बड़ा डर बदनामी का डर। जी हाँ दोस्तों, आज चाणक्य कहते हैं कि सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में दो चीजों की कमी कभी ना रहे, पहला रुपया पैसा, दूसरा मान सम्मान। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि पैसे तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन समय में नाम और मान सम्मान कमाना मुश्किल होता है। ऐसे में आज चाणक्य की माने तो किसी भी व्यक्ति को जीवन में हमेशा ही इस बात का डर सबसे ज्यादा रहता है, कहीं किसी वजह से उसकी बदनामी ना हो जाए, कहीं उसका मान सम्मान उससे छिन ना जाए। दोस्तों नंबर दो, सुख चैन छीन लेता है बदनामी का डर। अगर किसी वजह से इंसान के बदनामी का डर सताने लगे तो उसका सुख चैन सबको छिन जाता है और ऐसा लगता है कि मानो उसका जीवन बर्बाद हो गया है। मौत अगर इंसान को एक बार मारती है तो बदनामी का डर उसे पल पल मारता है। बदनामी का डर अगर किसी व्यक्ति के दिमाग पर हावी हो जाए तो वह अपनों से और समाज से दूर हो जाता है और कई बार तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है। इसलिए बेहद जरूरी कि जीवन में जब भी आप कोई फैसला लेने जाएं या कोई कदम उठाएं तो उसे लेकर एक बार विचार जरूर करें, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, इसका आपके जीवन में कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, कहीं इससे आपकी बदनामी तो नहीं होगी। साथ ही अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे बदनामी का सामना करना पड़ रहा है तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय उससे दुख से उबारने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों आएगा चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आगे पंचांग के बारे में। आएगा पंचांग 16 मई 2021 दिन रविवार, आएगी तिथि है चतुर्थी तिथि, आएगा नक्षत्र आर्द्र नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, ऋतु चल रहा है ग्रीष्म ऋतु। आज सूर्य होगा 5:30 पर, सूर्यास्त होगा 7:05 पर। दोस्तों आएगा शुभ समय है 11:50 से 12:44 तक रहेगा और आएगा अशुभ समय है 5:06 से 6:10 तक रहेगा। दोस्तों आए कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है 5। अब बात करते हैं दोस्तों आए कन्या राशि फल के बारे में, कैसे रहेगा आपका आज का दिन आई जानते हैं। कन्या राशि वाले, आज आपकी उम्मीद एक मेघ से भरे हुए खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी। आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और आया इसके चलते आपको कुछ वित्तीय लाभ भी मिल सकते हैं। घर के माहौल की वजह से आप उदास हो सकते हैं। आज आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको खुद अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता होगा। आज आपको ढेरों दिलचस्प निमंत्रण मिलेंगे, साथ ही आपको एक ऐसा आकर्षक उपहार भी मिल सकता है। अगर आप वैवाहिक तौर पर लंबे समय से कुछ नाखुश हैं तो आज के दिन आप हालात बेहतर होते हुए महसूस कर सकते हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अपने जीवन संबंधित जिस बात का इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे उसी संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, लेकिन इसी काम में प्रगति देखने के लिए और वक्त लग सकता है, इसलिए अपना संयम बनाकर रखें। कुछ लोगों के साथ आपको भावात्मक दूरियां महसूस होंगी, लेकिन इसकी वजह से मानसिक तकलीफ नहीं होगी। कुछ समय से कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां चल रही है आज उनमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा। कार्य की प्रगति, कुछ महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं। सरकारी कार्यों को पूरा करने में आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद मिलेगी। वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां ना उत्पन्न होने दें, एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करें। दोस्तों आर्थिक मामलों में आपके लिए संतोषजनक समय रहेगा। एक्स्ट्रा इनकम के भी योग बनेंगे। घरेलू जीवन के लिए इस समय काफी अच्छा रहने की संभावना है। किसी मित्र के सहयोग से बिजनेस में आपको अच्छा आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। प्रेम जीवन के मामले में ये समय उन लोगों के लिए कुछ खास रहने वाला है जिनकी मित्रता ने अभी अभी प्रेम संबंधों का रूप लिया है। सेहत में उतार चढ़ाव लगे रहने की संभावना है। खान पान का विशेष ध्यान रखते हैं। नौकरी में आप जमकर मेहनत करेंगे। कुछ लोगों की नौकरी में बदलाव अथवा ट्रांसफर हो सकता है। बिजनेस में आपकी जबरदस्त उन्नति के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों
दोस्तों आज आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दूध से संबंधित व्यापार करने वालों को अच्छा लाभ मिल सकता है, किसी पुराने निवेश का मुनाफा मिल सकता है, आपकी कामयाबी में आपके करीबी लोगों का योगदान रहेगा, अनजान व्यय आपको प्रभावित कर सकता है, अपनी निजी जानकारी हर किसी से शेयर ना करें, जीवन साथी के साथ जिंदगी का बेहतरीन अनुभव मिल सकता है, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, कोई ऑफर छिपे ढंग से सामने आ सकता है, अचानक धन लाभ होने के योग बन सकते हैं, आपको हर काम सावधानी से करना चाहिए, पूरा दिन सावधानी से निकाल दें तो आपके लिए अच्छा है, रोजमर्रा के कामों में रुकावटें तो आएंगी, साथ ही आपको होने वाले फायदे भी इस दिन होने वाले हैं। नौकरी या बिजनेस का कोई राज उजागर हो सकता है, आप अपने वेशभूषा के सज्जा आदि पर ध्यान दें, कुछ नया पढ़े नया सीखें और अपने आप को पहले से ज्यादा सबल बनाने पर ध्यान दें। यात्रा हो सकती है, आपका अपने जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, आपके मन की सामान्य शांति के लिए घरेलू परेशानियां कष्टप्रद हो सकती है, छल के प्रति सतर्क रहें, दोस्ती की आड़ में कोई दुश्मन आपके विश्वास को धोखा दे सकता है, ये समय महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों के लिए अच्छा नहीं है, निवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय किसी और दिन के लिए स्थगित कर दें, आपके प्रबंधक आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं, आप समय पर अपनी प्रतिबंधों को पूरा करने असमंजस रहेंगे, भारी भोजन करने से बचें वरना पेट संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा, आज चिंताएं स्वास्थ्य संबंधी समस्या कारण बन सकती हैं, उदासीनता की प्रवृत्ति बनी रहेगी, गाड़ी चलाते और यात्रा करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है, शांत रहें और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाए रखने का प्रयास करें, दूसरों के साथ अपनी भावना को साझा करने के लिए अच्छा समय नहीं है, आज यात्राएं अच्छी नहीं रहेंगी, अतः यात्रा करने से बचें, आज अपने भाग्य पर निर्भर रहने का दिन नहीं है, आपको अपने प्रयासों द्वारा ही अपने मुकद्दर को तराशना होगा, दोस्तों दिन सामान्य व्यतीत होगा, किसी भी प्रकार की दुविधा होने पर परिवार जनों का सहयोग आपको निर्णय लेने में मदद कर सकता है, घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह मार्गदर्शन पर जरूर ध्यान दें, कुछ समय आत्ममनन करने में भी जरूर लगाएं, कभी कभी ज्यादा आत्म केंद्रित होना और अहम की भावना रखना नुकसानदायक हो सकता है, अपनी इन्हीं कमियों को सकारात्मक रूप में उपयोग करें, आसपास की छोटी मोटी सकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें, दोस्तों कन्या राशि के लोगों को पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं इस दिन हो सकती है, आपके द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र के अष्टम भाव में विराजमान होने से और चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति के छठे भाव में होने से परिवार में किसी न किसी वजह से विवाद की स्थिति बन सकती है, ये विवाद संपत्ति या धन से संबंधित हो सकता है, घर के लोग इन बातों को लेकर आपस में झगड़ सकते हैं, इसलिए आपको समझदारी के साथ हर मामले को निपटाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में सूर्य के साथ विराजमान है, इसलिए आपसे संबंध में तलखी भी आ सकती है, यदि आप स्थिति को पहले से समझ चुके हैं तो समय रहते कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें, घर के वरिष्ठ जनों से बात करके मामले को शांत करने की कोशिश करें, पारिवारिक स्थिति अनुकूल हो सकती है, जितनी आपकी बातों में स्पष्टता रहेगी उतनी विवाद होने की संभावना कम होगी, हालांकि इस राशि के जातकों को अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग इस दिन प्राप्त हो सकता है, उनके सहयोग से कोई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप सही निर्णय ले सकते हैं और पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, माता पिता के साथ अपने मनोभावों को व्यक्त करके आप अच्छा महसूस कर सकते हैं, तो दोस्तों ये था कन्या राशि वालों का राशिफल, दोस्तों आज रविवार सूर्य भगवान का दिन है, दोस्तों घर में रहकर अगर आप सच्ची मन से सूर्य भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो सूर्य भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे, दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोहित कन्या राशि फल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, दोस्तों यह आयकर राशि फल अपने दोस्तों में शेयर करना, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।